वेलकम टू इंजीनियम, एक ऐसी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिसके अंदर वर्ल्ड की सबसे फेमस कार ब्रांड्स आते हैं, जो कि इटली की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इंडिया में 23 साल मेहनत करने के बावजूद वो सफल नहीं है। मैं बात कर रहा हूं फैब्रिसिया इटालिनो ऑटोमोबिलो टोरिनो, यानी कि फिएट की। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बेहतरीन कार्स, इंजन्स, सचिन तेंदुलकर एज अ ब्रांड एम्बेसडर, 3 लाख कार्स की एडवांस बुकिंग्स, 2 जॉइंट वेंचर के बावजूद फिएट इंडिया में कामयाब क्यों नहीं हो पाया और आगे उनका क्या प्लान रहने वाला है। फिएट इंडिया में लिबरलाइजेशन के बाद नहीं बल्कि पहले से ही एग्जिस्ट करती है। फिएट 1951 में इंडिया में प्रीमियर ऑटोमोबाइल लिमिटेड के साथ कोलैबोरेट करके लॉन्च करती है प्रीमियर पद्मिनी। पद्मिनी इंडिया के रिच क्लासेस के बीच में काफी ज्यादा फेमस थी और उसकी कंपटीशन थी सिर्फ एम्बेसडर। लिबरलाइजेशन के बाद 1996 में फिएट लॉन्च करती है उनो और सियना, इंडियन ऑटोमोबाइल लिमिटेड कंपनी के अंडर, जो कि उन्होंने प्रीमियर के साथ मिलकर बनाई थी। उनो जेन से 50,000 रुपए सस्ती थी और काफी स्पेशियस भी थी। उनो और सियना के बाद फिएट ने लॉन्च करा पालियो को। पालियो में 96 BHP और 1600 CC इंजन था। इस बात का अंदाजा आप सिर्फ इस चीज से लगा सकते हैं कि उस समय यह कार इंडिया की सेकेंड फास्टेस्ट कार बन चुकी थी। उस समय इससे ज्यादा हॉर्स पावर सिर्फ एक ही कार में थी, जो कि थी होंडा सिटी। पालियो का एडवर्टाइजमेंट खुद सचिन तेंदुलकर ने करा। सचिन के लिए फिएट ने 500 कार्स की रेंज निकाली जिन पर उनके मार्क सिग्नेचर्स होते थे, पर क्योंकि उनकी कॉस्ट ज्यादा होती थी इसलिए उनकी सेल्स नहीं हो पाई और लास्ट में उन्हें ये कार्स डिस्काउंट पर ही देनी पड़ी। फिएट ने पालियो के काफी ज्यादा वर्जन्स रीलॉन्च करने की कोशिश करी जिसमें फेसलिफ्ट्स भी थे, बट नन ऑफ देम वर सक्सेसफुल। 2009 में लॉन्च हुई पुंटो और लीनिया में काफी सारे फीचर्स जैसे कि ABS, EBD और एयरबैग सिस्टम थे, जो कि अपने टाइम से 10 साल आगे थे। फिएट पुंटो को बेचने की काफी कोशिश करती रही पर वॉल्यूम्स अचीव नहीं कर पाई। उनो को लॉन्च करते ही फिएट के पास 3 लाख कार्स की एडवांस बुकिंग आई, पर प्रीमियर की कुर्ला फैक्ट्री में वर्कर्स की स्ट्राइक की वजह से वो इस ऑर्डर को पूरा नहीं कर पाए। 3 लाख कार्स में से प्रोड्यूस हो पाई सिर्फ 617 कार्स। लोगों ने फ्रस्ट्रेट होकर 75% बुकिंग्स कैंसिल कर दी। प्रीमियर की इस मिसमैनेजमेंट ने फिएट का काफी नुकसान कराया और उनकी रेपुटेशन भी काफी खराब हुई। अगर ये 3 लाख कार्स का ऑर्डर कंप्लीट हो जाता तो जहां आज हमें मारुति 800, इंडिका और जेन देखने को मिलती है, वहीं हमें उनो भी देखने को मिलती। IAL जो कि अब तक 50-50 था, फिएट उसमें अपने स्टेक्स बढ़ाते गई। 2000 में ये 90% हो गया, 2004 में 99%, जिसके बाद फिएट ने ये प्रीमियर से पूरी तरीके से डिमर्ज कर दिया। प्रीमियर के साथ खराब जॉइंट वेंचर के बाद 2006 में फिएट ने टाटा मोटर्स के साथ कोलैबोरेट करा और फिएट का नाम पड़ा फिएट इंडियन ऑटोमोबाइल FIA। इस कॉरपोरेशन के थ्रू वो अपने सर्विस नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते थे। इस वेंचर में फिएट ने रंजन गांव वाली फैक्ट्री को डेवलप करा। फिएट प्रोडक्शन संभालती थी और टाटा सेल्स एंड सर्विस। इस दौरान टाटा और फिएट की कार्स एक ही शोरूम में बिकती थी। इस वेंचर से फिएट को फायदा होने के बजाय उल्टा नुकसान होने लगा। डीलर्स को टाटा की कार्स बेचने पर ज्यादा फायदा होता था, जिसकी वजह से सेल्समैन फिएट की जगह टाटा की कार्स ज्यादा सजेस्ट करते थे, तो कस्टमर्स जो कि पुंटो और लीनिया लेने आते थे वो इंडिका विस्टा और इंडिगो मांजा लेकर जाते थे। रतन टाटा ने कहा कि फिएट इसलिए फेल हो रही है क्योंकि उनके पोर्टफोलियो में सिर्फ 2 ही कार्स हैं। लेस ऑप्शंस मींस लेस कस्टमर्स एंड लेस कस्टमर्स मींस लेस शोरूम्स। इस टाइम तक फिएट सेल्स के लिए टाटा पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो चुका था। फिएट ने टाटा के साथ जॉइंट वेंचर 2012 मई में खत्म कर दिया। इसके बाद फिएट अपने एक्सक्लूसिव डीलरशिप्स खोलने लगा। पुणे जैसी जगहों पर अपने काफी सारे कैफेज खोलने के बाद भी उसकी सेल्स इंप्रूव नहीं हुई। फिएट लास्ट में कुछ CBUs भी लाई, जैसे कि फिएट 500 एंड फिएट 595, ताकि वो मिनी कूपर से कम्पीट कर सकें, पर यहाँ पर भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। फिएट की एक चीज जो कि बहुत फेमस थी वो थी उसका 1.3 लीटर मल्टी जेट डीजल इंजन। इसी इंजन को नेशनल डीजल इंजन ऑफ इंडिया भी कहा जाने लगा। इस इंजन ने इंडिया में 8 लाख कार्स को चलाया। ये इंजन हमें शेवरोले, टाटा और मारुति सुजुकी की कार्स में देखने को मिला।
स्विफ्ट में ये इंजन लगने के बाद स्विफ्ट की सेल्स स्काई रॉकेट हो गई, पर ये इंजन BS6 नॉर्म्स के लिए रेडी नहीं था, इसलिए इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया। फियाट का 2 लीटर इंजन हमें जीप कंपस, टाटा हैरियर और MG हेक्टर में देखने को मिला। FCA ने अपनी सारी डीलरशिप्स को 1 अप्रैल 2019 तक पूरा स्टॉक क्लियर करने का ऑर्डर दिया, क्योंकि उसके बाद ABS मैंडेटरी होने वाला था, इसलिए उन्हें अबार्थ पुंटो को 3 लाख रुपए के डिस्काउंट पर सेल करना पड़ा। फिएट इंडियन मार्केट को परफॉर्मेंस, बिल्ड क्वालिटी और एक यूनिक एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराना चाहता था, पर इंडियन कस्टमर्स परफॉर्मेंस से ज्यादा कॉस्ट और माइलेज पर फोकस करते हैं। अब फिएट इंडिया में ऑपरेट कर रहा है जीप और सिट्रोन के थ्रू। सिट्रोन को इंडिया में लॉन्च हुए 1 साल हो चुका है। आने वाले टाइम में फिएट एज अ ग्रुप इंडिया में ईवीज भी लॉन्च कर सकता है। जीप एवेंजर शायद इंडिया में फिएट की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल होगी। अब आने वाले टाइम में ये देखना होगा कि सिट्रोन का भी फिएट जैसा ही हाल होता है या फिर वो कुछ इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएंगे। और इंडिया में जीप की जर्नी को देखने के लिए हमारी जीप वाली वीडियो को चेकआउट करना ना भूलें।